नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश की विदिशा में मीडिया महासम्मेलन सम्मान समारोह आयोजित। आज विदिशा में हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण पर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय A33 मुखर्जी नगर विदिशा में मीडिया महासम्मेलन सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सभी पत्रकारों का सम्मान किया गया। इसमें इंडिया न्यूज 28 एडिटर इन चीफ व सच की गति के संपादक किशन स्वरूप सक्सेना, विदिशा जिला प्रेस क्लब अध्यक्ष रिजवान बावलिया, विदिशा प्रेस क्लब कोषाध्यक्ष मोनिश शाह, पत्रकार रंजीत ठाकुर, अभिषेक श्रीवास्तव, अमित श्रीवास्तव, सोनू नामदेव, कमल रेखवार, सचिन तिवारी आदि पत्रकार सम्मेलन में उपस्थित हुए। इनका सम्मान समारोह में सम्मान किया गया। भटके हुए मानव को अच्छी राह दिखानी ही सच्ची पत्रकारिता। ब्रह्म कुमारी रेखा दीदी ने कहा। ब्रह्म कुमारी रेखा दीदी ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया उनके सामने झुकती है। जिनकी कलम भले ही टूट गई हो, लेकिन उसने कभी भी किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाया। जिस कलम को कभी किसी ने कीमत में खरीदा ना जा सके, वही कलम एक इतिहास रच सकती है। भटके हुए मानव को अच्छी राह दिखाना ही सच्ची पत्रकारिता है। समाचार पत्रों में पृष्ठों की संख्या से कभी प्रभावित नहीं होते, बल्कि इसमें जो लिखा है वह बहुत महत्वपूर्ण है और वास्तव में वही मायने रखता है। जब हमारे जीवन में आध्यात्मिकता होती है तो मूल्य आते हैं, नैतिक मूल्य वाला। मीडिया कर्मी एक एक करके बदलते हैं तो हजारों श्रोता भी अपने आप बदल जाएंगे, क्योंकि अपने पास कलम की ताकत है। अपने जीवन को आनंदमय बनाओ, क्योंकि आत्म परिवर्तन ही संपूर्ण विश्व परिवर्तन की वास्तविक और मजबूत नींव है। ब्रह्म कुमारी नंदिनी बहन ने अपनी बात रखते हुए कहा कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप किस स्तर पर पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन कैसी पत्रकारिता कर रहे हैं इस बात से ज़रूर फर्क पड़ता है। आज डिजिटल वर्ल्ड में एक स्थानीय पत्रकार राष्ट्रीय स्तर की खबर बना सकता है, बशर्ते उसकी सोच में अहंकार ना हो और उसका समर्पण अपने कार्य के प्रति दिल से हो। पत्रकार अमित श्रीवास्तव ने ब्रह्म कुमारी की भूरी भूरी प्रशंसा की। ब्रह्म कुमारी पिछले 8 दशकों से समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। शुद्ध सफ़ेद पोशाक पहने हुए अवतारी देवी सरस्वती प्रतीत होती है, जो समाज में आध्यात्मिक प्रकाश जगा रही है, लोगों को बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आज बहनों ने हम सभी पत्रकारों का सम्मान करके हमारा उमंग उत्साह बढ़ाया और हम इस पर खरे उतरेंगे और सभी को सकारात्मकता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। ब्रह्म कुमारी रुक्मणी दीदी ने शिव परमात्मा की महिमा और शक्तियों से अवगत कराते हुए सफलता का आशीर्वाद दिया और संस्था का परिचय देते हुए सभी पत्रकार बंधुओं का पुष्प पटका पगड़ी पहनाकर एवं मोमेंटो देकर सम्मान किया। कार्यक्रम में जनसंपर्क अधिकारी बी डी अहिरवार एवं अधिक संख्या में मीडिया बंधुओं ने कार्यक्रम में शामिल होकर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। अंत में ब्रह्मभोज का भी आयोजन किया गया। विदिशा संवाददाता मोनिश शाह की रिपोर्ट। जब संगठन था और मुख्य एक जगदम्बा सरस्वती को बनाया गया इस संस्था में, फिर उसके बाद दादी हृदय मोहिनी जी और फिर उसके बाद दादी जानकी जी, जो 104 वर्ष की आयु में अपना पुराना देह शरीर यानी छोड़ा अभी लॉकडाउन के समय। अभी वर्तमान में दादी रतन मोहिनी जी इस संस्था के मुख्य हेड हैं। तो ये संस्था कोई भाइयों के थ्रू नहीं, इस संस्था में माताएं बहनें इस संस्था को आगे चलाती हैं। कहती हैं कि संस्था को आगे चलाने वाला कौन है, तो माताएं बहनें हैं, लेकिन परमात्मा इस संस्था में सहयोग करता है। है निराकार, लेकिन हर पल हर सेकंड वो अंग संग रहता है। कहा जाता है इसमें 20 विंग्स हैं, जो ये संस्था बड़ी ही सुचारू रूप से वो कार्य कर रही है, जैसे कि मेडिकल विंग, प्रभाग विंग, युवा विंग, ऐसे कि 20 विंगों में ये कार्य कर रही है। उसी में एक है ये महिला मीडिया प्रभाग। जो मीडिया विभाग ये कार्य आप लोग सब करते हैं, उसके लिए हम तो क्या पूरा देश ही शायद आपकी तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि जो कार्य हमसे ज़्यादा आप करते हैं वो कोई नहीं कर सकता। हम थोड़ा कार्य करते हैं, लेकिन आप उसको ज़्यादा कार्य कर देते हो, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।